जय हिंद दोस्तों। अभी हम लेकर आ गए हैं इंडियन नेवी MR के लिए जनरल अवेयरनेस की क्लास, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेरिटेज चैप्टर को, विरासत चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसमें जानेंगे भारत के विश्व विरासत स्थल के बारे में। तो पूरा डिटेल में पढ़ाएं, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किए इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में इन तक बने रहिएगा, और जो भी बंदे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो फटाफट से फॉलो कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे सेकेंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूं। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि अभी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे भारत के विश्व विरासत स्थल के बारे में। सबसे पहले देखें कि भारत के जो विश्व विरासत स्थल होते हैं उनको सूची में शामिल कौन करता है, इसको कौन है जो इसको शामिल करता है। तो आपको बता दें, इसको जो शामिल करते हैं वो यूनेस्को के द्वारा शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूनेस्को के बारे में कि यूनेस्को आखिर है क्या। तो सबसे पहले देखिए यूनेस्को के हम लोग फुल फॉर्म जानते हैं। यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है वो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि आपके नेवी MR के एग्जाम में या SSR या AA के एग्जाम में ये बहुतों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म। तो ये याद आपको होना बेहद जरूरी है, ठीक। उसके बाद आप देखिए यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में है, तो आप इसे याद रखिएगा। यूनेस्को का जो गठन हुआ था वो हुआ था 16 नवंबर 1945 को हुआ था, तो ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन आप लोग से पूछ दिया गया है। तीसरा जो है, यूनेस्को के जो अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो आंद्रे ओजोलो है, तो ठीक ना। ये तीनों को आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं और भी चीज़। देखिए विश्व विरासत स्थल दिवस है जो कि 18 अप्रैल को प्रत्येक साल मनाया जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। अब देखिए कि भारत में जो कुल विश्व विरासत स्थल है 38 है, और 38ों को अभी हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में इन तक बने रहिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। आज का जो लाइक का हम रखते हैं 300 लाइक रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो भी देख रहे हो लाइक कर दोगे, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप लोग जानते हो। तो 300 लाइक आप जल्दी से कर दो फटाफट से, कुछ नहीं चाहिए, मुझे 300 लाइक चाहिए इस वीडियो पे, ठीक ना। चलिए अभी हम आगे बात करते हैं। यहां पर देखिए विश्व विरासत स्थल में विश्व के महत्वपूर्ण चीज़ों को शामिल किया जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन कौन से चीज़ों को शामिल किया जाता है विश्व विरासत के अंदर, तो आप लोग को बता दें विश्व विरासत स्थल में आप लोग को देख सकते हैं वन क्षेत्र शामिल कर दिया जाता है, पर्वत, मंदिर, मरुस्थल, शहर, भवन, ये सभी चीज़ों को विश्व विरासत स्थल के अंदर हम शामिल कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये सभी चीज़ आप लोग को शामिल देखने को मिलते हैं। तो चलिए अभी हम बारी बारी से करके भारत में जितने भी विश्व विरासत स्थल है, 38 है, टोटल 38 है, आप इसे याद रखिएगा। ये भी पूछ दिया जाता है कि भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल है, तो 38 है, तो आप इसे याद रखिएगा। अभी 38ों को हम पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बारी बारी करके एक एक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अजंता की गुफाओं के बारे में जानते हैं। तो देखिए अजंता की गुफाएं को 1983 ईस्वी में शामिल किया गया था, किसके अंदर, विश्व विरासत स्थल के अंदर शामिल किया गया था, ठीक ना। ये और अजंता की गुफाएं वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, आप इसे याद रखना। यह बौद्ध गुफा मंदिर है, यह बौद्ध गुफा मंदिर है, इसमें 29 गुफाएं हैं और एक गुप्त गुफा है, टोटल 30 गुफाएं, जिनमें से क्या है 29 गुफा है और एक क्या है गुप्त गुफा है अजंता की गुफा के अंदर, ठीक ना। तो आप इसे याद रखिएगा। ज़्यादातर आप लोग से पूछा जाता है कि अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, तो औरंगाबाद, आप इसे याद रखना। क्वेश्चन पूछा भी गया है या आप लोग से डेट पूछ दिया जाएगा कि अजंता की गुफाएं को विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया, तो 1983 को शामिल किया गया था, ठीक ना। तो ऐसे करके आप लोग याद रखना, और जितने भी इंपॉर्टेंट इनसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने यहां पर आप लोगों को करवा रहे हैं, तो आप इसे नोट बनाते चलिएगा, याद करते चलिएगा, ठीक ना। अब देखिए अगला जो हम बात करेंगे, दूसरा है जो एलोरा की गुफाएं, इसको जो विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, इसको भी 1983 मतलब 1983 में शामिल किया गया था, और ये भी औरंगाबाद में स्थित है। ये कहाँ है, औरंगाबाद में भी ये भी स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। अब देखिए कि एलोरा की गुफा का जो निर्माण करवाए थे ये राष्ट्रकूटों द्वारा करवाया गया था, ठीक ना, राष्ट्रकूटों द्वारा ये एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया गया था, तो आप इसे याद रखना। आगे हम बात करेंगे आगरा के किला की। तो आगरा को किला को विश्व विरासत स्थल में 1983 में शामिल किया गया था, और यह आगरा का किला है जो कि आगरा में स्थित है, और यह जो आगरा है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो आप इसे याद रखना। इसका जो निर्माण है सिकरवार राजपूतों ने 19वीं सदी में करवाया था, तो आप इसे याद रख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं ताजमहल। ताजमहल जो विश्व विरासत में शामिल किया गया, इसको भी 1983 में किया गया था, और ये आगरा में स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में है, और इसका जो निर्माता है मतलब कि इसका जो निर्माण करवाए थे वो मोहम्मद ईसा खां इसको निर्माता किए थे, और ताजमहल जो है शाहजहां ने अपने पत्नी मुमताज़ बेगम के याद में बनाए थे, ठीक ना। तो इस बात को याद रखना। और ताजमहल है जो कि
इस बात को आप याद रखना कि ताजमहल 7 अजूबों में से एक है, तो आप इसको भी याद रखना है ताजमहल के बारे में। और आप लोगों को बता दें कि विश्व विरासत स्थल में सबसे पहले जो शामिल किया गया था भारत के कोई भी जो स्थल हो उसमें सबसे पहला नाम ताजमहल का ही आया था, ठीक ना। तो सबसे पहला जो विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था वो ताजमहल को शामिल किया गया था। अब देखना, ताजमहल का जो निर्माण करवाए थे वो थे शाहजहाँ, ठीक ना, लेकिन निर्माता हो जाएगा मोहम्मद ईसा खां, ठीक ना। मतलब कि इसको जो बनाया वो कौन था, मोहम्मद ईसा खां था, तो इसे याद रखिएगा, ठीक ना। कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर हम मोहम्मद ईसा खां लिख दिए हैं, ठीक ना। अब चलिए हम आगे बात करते हैं यहाँ पर कोणार्क का सूर्य मंदिर को लेकर, ठीक ना। देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर को 1984 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, ठीक ना। इस मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि ब्लैक पेगोडा के नाम से कौन सा मंदिर को जाना जाता है। आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिखने को मिलते थे जिसमें आप लोग को कोणार्क मंदिर भी देखने को मिलता था, तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो आप इसे याद रखना, ब्लैक पेगोडा के नाम से जो जाने जाते हैं वो कोणार्क का सूर्य मंदिर जाना जाता है। ये पुरी में स्थित है और ये पुरी जो है उड़ीसा में पड़ता है। पुरी में एक और भी जगन्नाथ मंदिर है जो कि जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकलता है, वो भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आप लोगों को ये भी चीज़ मालूम होना चाहिए। देखिए कोणार्क मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो गंग वंश का राजा था नरसिंह देव प्रथम, और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया, तो आप इसे याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर महाबलीपुरम मंदिर के बारे में बात करते हैं। महाबलीपुरम मंदिर को 1984 मतलब 1984 ईस्वी में इसको भी विश्व विरासत स्थल के अंदर शामिल कर लिया गया था, और यह महाबलीपुरी मंदिर है महाबलीपुरम मंदिर है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अब हम बात करते हैं इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में हेरिटेज चैप्टर से आपके एग्जाम में 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब देखिए हम बात करते हैं गोवा का चर्च। गोवा का चर्च को 1986 ईस्वी में शामिल कर लिया गया था विरासत के अंदर में, ठीक ना। और जो गोवा का चर्च स्थित है ये गोल्ड गोवा में स्थित है। कहाँ है? गोल्ड गोवा में स्थित है। और चर्च का जो नाम है, जो स्थित है वहाँ पर गोवा में चर्च, उस चर्च का जो नाम है वो है वसीलिका वोन जीसस चर्च है, तो आप इसे उसका नाम भी याद रख सकते हैं। ऐसे नाम पूछा नहीं जाता लेकिन आप याद रख सकते हो, ठीक ना। अब चलिए आगे बात करते हैं खजुराहो का मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुतों बार पूछा जा चुका है इनसे रिलेटेड, ठीक ना। देखिए खजुराहो का मंदिर को 1986 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल के अंदर शामिल किया गया, और यह जो स्थित है ये छत्तरपुर मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। तो आप लोग से पूछा गया कि खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है, तो वहां पर आप लोगों को मध्य प्रदेश ऑप्शन में देखने को मिलता है, ये नहीं देखने को मिलता है जो स्थान पर है मेन, लेकिन मेन जो आप लोगों को स्टेट पूछा जाता है तो मध्य प्रदेश आप लोगों को देखने को मिलता है, तो वहां पर आप लोग मध्य प्रदेश का जरूर टिक लगाइएगा, तब आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए खजुराहो का जो मंदिर का निर्माण करवाए थे वो चंद्रवर्मन करवाए थे। कौन करवाए थे? चंद्रवर्मन करवाए थे, तो आप इसे याद रखिएगा। यह भी पूछ दिया जाता है कि खजुराहो का मंदिर किस किस धर्म का मंदिर है, तो यह जो मंदिर है हिंदू और जैन दोनों धर्म के लिए यह मंदिर बनाया गया है, खजुराहो का मंदिर। अब हम बात करते हैं हम्पी का अवशेष, अगला जो पढ़ना है। हम्पी का अवशेष को 1986 ईस्वी में इसको शामिल किया गया था, और यह कर्नाटक में स्थित है, तो आप इतना आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर फतेहपुर सिकरी के बारे में। तो फतेहपुर सिकरी को 1986 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल के अंदर शामिल कर लिया गया था, और यह आगरा में स्थित है, और आगरा जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब देखिए इसके अंदर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। फतेहपुर सिकरी के अंदर आप लोग को शेख सलीम चिश्ती की दरगाह देखने को मिलते हैं, तो आप इसे याद रखना। अगला जो आप पढ़ना है वो है पट्टकाल के स्मारक। ये 1987 में इसको भी विश्व विरासत स्थल के अंदर शामिल कर लिया गया था। ये कर्नाटक में स्थित है, वो बदामी कोई जगह है वहाँ पर, वही उसी के किनारे ये क्या है स्थित है पट्टकाल के स्मारक। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एलिफेंटा की गुफा। तो एलिफेंटा की गुफा जो शामिल किया गया 1987 में, 1987 ईस्वी में इसको शामिल कर लिया गया विश्व विरासत के अंदर, और यह जो स्थित एलिफेंटा की गुफा ये महाराष्ट्र में स्थित है, और इसमें 7 गुफाएँ हैं। इसका जो निर्माण जो करवाए थे सिल्हारा वंश और राष्ट्रकूट वंश ने इसका क्या करवाए थे, एलिफेंटा गुफा की निर्माण करवाए थे, तो आप इसे याद रखना। अब हम बात करते हैं चोल मंदिर के बारे में। देखिए चोल मंदिर को भी 1987 ईस्वी में इसको भी विश्व विरासत स्थल के अंदर शामिल कर लिया गया, और जो चोल मंदिर है वो तमिलनाडु में स्थित है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। अगला जो हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए
वही चोल मंदिर के आसपास ही बृहदेश्वर मंदिर है जिसको भी 1987 में शामिल कर लिया गया था। और तंजौर स्थित ये मंदिर, ये जो बृहदेश्वर का मंदिर है ये तंजौर में स्थित है, और ये जो मंदिर है पूरा ग्रेनाइट से बना हुआ मंदिर है। ये जो पूरा टोटली जो मंदिर बना आपको दिखेगा पूरा ग्रेनाइट से बना हुआ मंदिर है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सांची का बौद्ध स्तूप। देखिए 1989 में इसको विश्व विरासत स्थल के अंदर शामिल कर लिया गया। यह रायसेन में स्थित है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो यह भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया कि सांची का बौद्ध स्तूप कहां स्थित है, तो आप लोगों को मध्य प्रदेश पर टीक लगाना होगा अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो, ठीक ना। यह बेतवा नदी के किनारे स्थित है सांची का बौद्ध स्तूप। और बोला जाता है कि सांची के बौद्ध स्तूप के अंदर अशोक कालीन संबंधित चीज बहुत ज्यादा पाया गया है, ठीक ना। तो आप इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर हुमायूं का मकबरा। देखिए हुमायूं का मकबरा 1983 में इसको भी विश्व विरासत स्थल के अंदर शामिल कर लिया गया। अब देखिए कि यह दिल्ली में स्थित है। इसका जो निर्माण जो करवाया था वो हमीदा बानो बेगम करवाया था, तो आप इसे याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को कौन नहीं जानता है, आप भी लोग जानते होंगे। इसको जो 1993 में शामिल किया गया था और यह दिल्ली के रौली में स्थित है कुतुब मीनार, ठीक ना। कुतुब मीनार का निर्माण तीन आदमी ने मिलकर करवाया। पहले सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया जो कि अधूरा रह गया मरने के बाद, फिर इल्तुतमिश करवाया, फिर उसके बाद वो जो पांचवा तल्ला है उसका फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। तो ये तीन आदमी मिलकर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, ठीक ना। तो आप इसे याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर भीमबेटका की गुफा के बारे में। देखिए भीमबेटका की गुफा को 2003 में शामिल कर लिया गया। और यह जो है भीमबेटका की गुफा, ये रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पूरा पाषाण एवं मध्य पाषाण के शैल चित्र को देखने को मिलता है। शैल चित्र मतलब हाथ से बनावटी चित्र जो होता है उसको बोलते हैं। और देखिए यहाँ पर खोज जो कि यहाँ पर जो पूरा पाषाण और मध्य पाषाण में शैल चित्र जो देखने को मिले उसको जो खोज किए हुए थे वो डॉक्टर विष्णु श्रीधर किए थे। लगभग 750 शैल चित्र को उन्होंने खोज दिया था भीमबेटका की गुफा में जाके, तो आप इसे याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर चंपानेर पावागढ़ पार्क। देखिए चंपानेर पावागढ़ पार्क को 2004 में शामिल कर लिया गया था विश्व विरासत के अंदर। ये जो स्थित है ये गुजरात में स्थित है, तो आप इसे याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं लाल किला को, तो लाल किला को 2007 में शामिल किया गया। यह दिल्ली में स्थित है लाल किला, आप लोग को मालूम होगा। लाल किला का जो निर्माण करवाए थे वो शाहजहां करवाए थे, लेकिन लाल किला को जो बनाया था वो हमीद और अहमद नामक शिल्पकार ने इसको बनाया था, तो आप इसे याद रखिएगा। लाल किला के अंदर ही मोती मस्जिद है, लाल किला के अंदर ही क्या है, मोती मस्जिद है, तो आप याद रखिएगा। पूछ दिया जाता है कि मोती मस्जिद कहाँ स्थित है, तो ऐसे दिल्ली में है लेकिन ये लाल किला के अंदर ही स्थित है, तो आपको इस बात को भी याद रखना है। अब हम बात करते हैं यहां पर महाबोधि के बारे में। देखिए महाबोधि को शामिल कर लिया गया था 2002 में कर लिया गया था, ठीक ना। और ये जो स्थान है ये बोधगया में, कहाँ है, बोधगया में है, और जो कि बिहार में पड़ता है, तो आप इसे याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं जंतर मंतर को। देखिए जंतर मंतर को 2010 में शामिल कर लिया गया था। ये राजस्थान में स्थित है और इसका जो निर्माण करवाए थे सवाई राजा जयसिंह ने करवाए थे। अब देखिए कि जंतर मंतर आप लोग को और भी जगह देखने को मिल जाते हैं, जैसे दिल्ली में आप लोग को देखने को मिलेंगे, लेकिन आप लोग को जो शामिल यहां पर किया गया ये राजस्थान वाले जंतर मंतर को शामिल किया गया, तो इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहां पर राजस्थान के छह पहाड़ी किला के बारे में। राजस्थान के छह पहाड़ी किला को 2013 में शामिल कर लिया गया था विश्व विरासत स्थल के अंदर। और इसमें छह किला को शामिल किया गया था, जिसमें से छह किला का नाम हमने यहां पर लिख लिया है। अजमेर का किला को शामिल किया गया था, गागरोन का किला का, बुल्लभगढ़ का किला का, रणगंभौर का किला का, चित्तौड़गढ़ का किला का और जैसलमेर को किला का। तो इन सभी किला को क्या कर लिया गया था, शामिल कर लिया गया था, तो आप इसे याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहां पर देखिए रानी की बाव। रानी की बाव को 2014 में शामिल कर लिया गया था विश्व विरासत के अंदर, ठीक ना। ये पाटन गुजरात में स्थित है और इसका जो निर्माण है 1063 में सोलंकी शासक ने करवाया था, ठीक ना, तो आप इसे याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नालंदा महाविहार के बारे में, या इसको हम नालंदा विश्वविद्यालय भी बोल सकते हैं। इसको 2016 में हम लोग विश्व विरासत के अंदर इसको भी शामिल कर लिया गया था। ये नालंदा महाविहार है जो कि नालंदा में स्थित है, जो कि बिहार में पड़ता है, और इसका जो निर्माण करवाया था वो कुमारगुप्त करवाया था। आगे हम बात करते हैं कैपिटल कॉम्प्लेक्स की, तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स को 2016 में शामिल कर लिया गया था विश्व विरासत स्थल के अंदर, और यह चंडीगढ़ में स्थित है, तो बस आप इससे इतना ही याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना। इसको 2016 में शामिल कर लिया गया था और यह जो स्थित है ये सिक्किम में स्थित है। अब इससे बात आई कि कंचनजंगा जो पर्वत है वो विश्व की सबसे तीसरी बड़ी पर्वत है, तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक ना।
अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगली जो है टॉपिक हमारा वो भारत का पर्वतीय रेल। देखिए भारत के पर्वतीय रेल को 1999 ईस्वी में विश्व विरासत के अंदर शामिल कर लिया गया था। अब देखिए कि भारत के पर्वतीय रेल में जो जो शामिल हुए थे वो दार्जिलिंग हुआ था, कालका हुआ था, शिमला हुआ था और नीलगिरी हुआ था। ये सभी स्टेशन क्या हुए थे, भारत के पर्वतीय रेल में शामिल हो गए थे। दार्जिलिंग जो है कि पश्चिम बंगाल में, कालका शिमला है जो कि हिमाचल प्रदेश में है और नीलगिरी है जो कि तमिलनाडु में है, तो आप इसे याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जिसको 2004 में शामिल कर लिया गया विश्व विरासत स्थल के अंदर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, तो आप इसे याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बहुतों बार इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। इसको जो है 1985 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल के अंदर शामिल कर लिया गया, जो कि असम में स्थित है, तो आपसे यही पूछा जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो असम में। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग 5 बार से भी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है एक सिंह वाले गेंडा के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि एक सिंह वाले गेंडा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सिंह वाला गेंडा पाया जाता है कि नहीं, ऐसे करके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। अब हम बात करते हैं मानस राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसको 1985 मतलब 1985 में इसको भी राष्ट्रीय विश्व विरासत स्थल के अंदर शामिल कर लिया गया, जो कि मानस राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, असम में स्थित है, और यहाँ पर 12 सिंगा और एक सिंग वाला गेंडा भी यहाँ पर प्रसिद्ध है मानस राष्ट्रीय अभ्यारण्य के अंदर। अब हम बात करते हैं आगे केवला देव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। देखिए केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में विश्व विरासत स्थल के अंदर शामिल कर लिया गया, यह राजस्थान में स्थित है और आप इसे याद रखिएगा, ठीक ना। अब हम बात करते हैं सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। देखिए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, इसको 1987 में विश्व विरासत स्थल के अंदर शामिल कर लिया गया, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आप लोग को रॉयल टाइगर, मतलब कि टाइगर के लिए ये जो राष्ट्रीय उद्यान है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और माना जाता है कि यहाँ के जो टाइगर है वो बच्ची होते, मतलब कि मानव को देखने के बाद उसे खा जाते, वो छोड़ते नहीं है, ठीक ना। तो ये बात यहां पर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ये टाइगर के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। अब हम बात करते हैं नंदा देवी एवं फूलों की घाटी। देखिए नंदा देवी एवं फूलों की घाटी को 1988 ईस्वी में विश्व विरासत अंदर में शामिल कर लिया गया, यह उत्तराखंड में पड़ता है, तो आप इसे याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहां पर पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट को यहां पर आप लोग देखिएगा, पश्चिमी घाट को 2012 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल के अंदर शामिल कर लिया गया, ठीक ना। अब देखिए कि पश्चिमी घाट है जो कहाँ स्थित है, ये देखिए जो स्थित है यह केरल में भी स्थित है, आप लोग को केरल के बाद आप लोग को कर्नाटक में भी आप लोग को देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, कर्नाटक में भी आप लोग को देखने को मिलेगा, उसके बाद तमिलनाडु में भी आप लोग को देखने को मिलेगा, तमिलनाडु के बाद आप लोग को महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा। तो इन सभी जगह में इनका कुछ जो भाग होगा सभी स्टेट में होगा, तो इसलिए सभी स्टेट में क्या है फैले हुए हैं, ठीक ना। तो आपको जो ऑप्शन में दिखे तो उसमें आप लोग टिक लगाइएगा, ठीक ना, ऑप्शन के अनुसार, ठीक। या देखिए पश्चिमी घाटी को सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। सह्याद्री पर्वत के नाम से किसको जाना जाता है, तो पश्चिमी घाटी को जाना जाता है, तो इस बात को आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के बारे में। देखिए द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को 2014 में विश्व विरासत स्थल के अंदर शामिल कर लिया गया। यह जो है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, यह जैव विविधता के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो आप इसे याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा बात यहाँ पर है, अहमदाबाद। देखिए अहमदाबाद पहला एक शहर ऐसा हुआ जिसको कि भारत के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। इसे 2017 में क्या कर लिया गया था, विश्व विरासत स्थल के अंदर शामिल कर लिया गया, तो आप इसे याद रखिएगा। अहमदाबाद है जो कि पहला शहर है जिसे किस क्या किया गया था, विश्व विरासत स्थल के अंदर शामिल किया गया था, ये भारत का, ठीक ना। अभी भारत का पढ़ने तो सब टोटल ही भारत के ही बारे में अभी चर्चा चल रही है। अब देखिए यहाँ पर 19वीं शताब्दी की विक्टोरियन गौथिक एवं 20वीं शताब्दी के आर्ट डेको, जो मैंने यहाँ पर विक्टोरियन गौथिक और यहाँ पर जो है आर्ट डेको, इसको है 2018 में क्या कर लिया गया था, शामिल कर लिया गया था, ठीक ना, विश्व विरासत स्थल के अंदर। अब देखिए कि यह जो स्थित है यह मुंबई में स्थित है, तो आप इसे याद रखिएगा। अब जो हमारा देखिए 37 हो चुका है, ये जो 38वां जिसको शामिल किया गया है, ये गुलाबी शहर,
जिसको 2019 में शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल के अंदर, जो कि जयपुर में है और ये राजस्थान में पड़ता है, तो आप इसे याद रखिएगा। या पिंक सिटी के नाम से आप लोग जानते हैं कि जयपुर को जाना जाता है, मतलब गुलाबी शहर के नाम से आप लोग को मालूम होगा कि जयपुर को जाना जाता है। तो ये 38 विश्व विरासत स्थल जो भारत के थे वो मैंने अभी कवर करवा दिए। तो बताइए आप लोग को आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, क्योंकि अभी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक ना। लाइक तो जरूर करना, आज का जो लाइक कैम था वो 300 जल्दी से कंप्लीट आप लोग कर दो, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। और भी एक बात और बता दें, ये चैप्टर यहीं पर द एंड होता है, ये चैप्टर आप लोग का समाप्त हो चुका है, आप मत करना कि पार्ट टू इसका लेके आओ, ये समाप्त हो चुका है, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।